हेलो एवरीवन, सलाम नमस्ते आदाब सत श्री अकाल केम छो, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त सुनील यशपाल। और एक बार फिर से आप लोग मेरे साथ हैं आपके अपने चैनल बाबा वुड पे। और एक बार फिर से हूं मैं थाईलैंड की ब्यूटीफुल सिटी पत्तेया की अपने एक आप लोग कह सकते हैं एक नए घर में, एक नई जगह पे आप लोगों के साथ। और ये है यहाँ पर हाइसो होटल का फ्रेंडली बार। और अब अगर आप लोग मेरे से मिलना चाहें तो आप लोग इसी जगह पर आप लोग आकर मुझसे मिल सकते हैं, क्योंकि फिलहाल अगर आप लोग बात करें तो लगभग पिछले 1 से 1.5 महीने से मैं यार यहीं पर ही हूँ, इसी जगह पर ही हूँ। और लाइक आप लोग कह सकते हैं कि यार एक छोटा सा स्टेप लिया है लाइफ में कुछ नया करने के लिए, तो यार उसी नए का ये एक हिस्सा है यहाँ पर फ्रेंडली बार हाइसो होटल का, जहाँ पर अब मैं आप लोगों से मुलाकात कर सकता हूँ। अगर आप चाहें तो आप लोग यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम गाइज। लेकिन फिलहाल अपने यहाँ पर बात करने जा रहे हैं भाई एक ऐसी न्यूज़ की जो लाइक सुबह से काफ़ी सारे लोग, मेरे काफ़ी सारे भाई मुझे यहाँ पर मैसेज कर चुके हैं कि बाबा क्या ये चीज़ सच है, क्या ये जो न्यूज़ है ये लाइक ये रियली में ये होने वाला है। तो यार मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि यार कोविड के टाइम से आपके साथ लगभग सारी अपडेट्स जो भी यहाँ पर छोटी से छोटी चीज़ होती है वो शेयर करता हूँ। कोई भी चीज़ यहाँ पर बाकी नहीं छोड़ता हूँ, जो भी चीज़ मेरे भाइयों के काम की होती है। लेकिन मैं यहाँ पर जो वेट करता हूँ एक कन्फर्मेशन की। जब यहाँ पर ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ 100% कन्फर्म हो गई है, उसके बाद ही मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ थाईलैंड वीज़ा फ्री फॉर इंडियंस, लाइक अपने भाइयों के लिए, कि इंडिया के लिए जो थाईलैंड ने यहाँ पर वीज़ा बिल्कुल फ्री कर दिया है। तो यार ये न्यूज़ बिल्कुल फैक्ट है अभी फिलहाल एज पर नाउ। लेकिन अभी भी मैं यहाँ पर एक जो यहाँ पर गवर्नमेंट का एक गैजेट होता है, जो एक पेपर आप लोग कह सकते हैं ऑफिशियल एक पेपर होता है, जो इसमें एक प्रेस रिलीज किया जाता है कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर कंफर्म हो गई है, और उसके ऊपर यहाँ पर सरकार की मोहर लग जाती है। अभी भी फिलहाल उसका इंतजार बाकी है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर कंफर्म हो गई है कि आने वाली 10 तारीख से, 10 नवंबर से लेकर 10 मई तक जो वीज़ा है उसको यहाँ पर फ्री किया जा रहा है। लाइक वीज़ा फ्री थाईलैंड फॉर इंडियन एंड ताइवान पीपल ऑल्सो। और यार ये देखिए, इसका जो स्टार्ट है वो लगभग यहाँ पर आज से 1 महीने पहले हो चुका था, क्योंकि 1 महीने पहले यहाँ पर अगर आप लोग बात करें 1 से 2 महीने पहले यहाँ पर चाइनीज जो सिटीजन है चाइनीज के लिए, और एक दो कंट्रीज और थी जिनके लिए यहाँ पर वीजा फ्री किया गया था। और अपने को कहीं ना कहीं यार इस चीज का एक भरोसा था कि यार आने वाले टाइम पर जो ये ये जो बेनिफिट है यहाँ पर इंडियन लोगों को भी जरूर दिया जाएगा। क्योंकि अगर आप लोग नंबर ऑफ टूरिस्ट की बात करें तो भाई यहाँ पर इंडियंस जो टॉप 3 हैं उसमें हमेशा रहते ही हैं, कहीं ना कहीं इंडियन मौजूद रहते ही हैं। क्योंकि यार आज भी अगर आप लोग अपने लोगों की बात करें तो जब भी हॉलीडेज का प्लान करते हैं, कहीं घूमने फिरने का प्लान करते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, तो कहीं ना कहीं थाईलैंड का जो नाम है वो जरूर अपने जहन में आता है। तो यही चीज को देखते हुए यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है टूरिज्म को और बढ़ाने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आ सके इस पीक सीजन में। क्योंकि पीक सीजन इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि भाई नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी ये 4 महीने ऐसे होते हैं जो यहाँ पर फुल ऑन फेस्टिवल का सीजन जिसको बोला जाता है, फुल ऑन मस्ती, फुल ऑन फन। इन 4 महीनों में लगभग दुनिया के हर कोने से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, और अपने भी काफ़ी सारे भाई यहाँ पर पहुँचते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ। तो यार एक बहुत ही अच्छा मौका है इस समय ये जो आने वाले 6 महीने होंगे अपने पास, क्योंकि जो फिलहाल ये जो वीजा फ्री थाईलैंड फॉर इंडिया के लिए जो किया गया है यहाँ पर 10 नवंबर से लेकर 10 मई तक लगे 6 महीने का टाइम आप लोगों के पास है। यहाँ पर बिल्कुल फ्री आप लोग कह सकते हैं, वीजा फ्री आप लोग यहाँ पर घूम सकते हैं। उसके साथ साथ यार यहाँ पर एक चीज और एड ऑन की गई है कि कंट्रीज को लाइक जो ताइवान और इंडियन जो पीपल हैं जो लोग यहाँ पर आएंगे उनको 30 डेज के लिए ये वीजा लाइक आप लोग कह सकते 30 डेज के लिए अलाउ किया जाएगा। तो 30 डेज वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि भाई जैसे अभी वीजा ऑन अराइवल 15 दिन का चल रहा है, तो क्या ये बढ़कर 30 दिन का किया जाएगा कि 30 दिन तक आप लोग यहाँ पर घूम सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग लास्ट ईयर की बात करें तो ईयर एंड से लेकर यहाँ पर लगभग शायद मार्च या अप्रैल तक यहाँ पर जो वीजा ऑन अराइवल है वो यहाँ पर 1 महीने का कर दिया गया था, और उस 1 महीने का जो वीजा किया था उसमें काफी सारे लाइक लोग यहाँ पर आए थे, जो लोग यहाँ पर थाईलैंड को अच्छे से डिस्कस
डिस्कवर करना चाहते थे, थाईलैंड को घूमना चाहते थे, तो 1 महीना एक बहुत ही अच्छा टाइम था। तो यार वो आप लोग अगर देखें तो वो जो रूल था, वो जो लाइक एक एक चेंज किया गया था एक टाइम नोटिस पे, एक ट्रायल पीरियड पे, तो वो काफ़ी सक्सेस हुआ था, लेकिन उसको फिर वहीं पर रोक दिया गया, उसको कंटिन्यू नहीं किया गया। तो यार फिलहाल यहाँ पर फिलहाल जो एक न्यूज़ चल रहा है उसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि भाई जो आपका वीज़ा फ्री है उसके साथ साथ में 30 दिन के लिए आपको अलाउ किया जाएगा। तो क्या वो 15 दिन है या 30 दिन है, तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा भी वेट और करना है, क्योंकि मैं आपको बोला कि यार भी जो गैजेट है वो आना यहाँ पर बाकी है। लेकिन अगर आप लोग इस 6 महीने की बात करें तो भाई नवंबर से लेके और मई तक आपके पास लगभग थाईलैंड के जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, जितना भी यहाँ पर लाइक मस्ती होती है, फन होती है, आप लोग इन 6 महीनों के अंदर उसको अटेंड कर सकते हैं। अगर आप लोग नवंबर से ही बात करते हैं तो यार, तो सबसे पहले आपके पास दिवाली के अभी हॉलीडेज आने वाले हैं, तो दिवाली के टाइम पर छुट्टियाँ होती हैं, तो छुट्टियों के टाइम पर आप लोग चाहें तो आप लोग यहां पर आ सकते हैं। उसके साथ साथ में जो एक बहुत ही यार फेमस एक फायरवर्क फेस्टिवल होता है यहां पर पत्या सिटी का, तो वो भी यार 25-26 नवंबर आने वाली है, 25-26 नवंबर को वो फेस्टिवल भी आ रहा है। अगर आप लोग चाहें तो उस टाइम पे प्लान कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप लोग दिसंबर की बात करें तो भाई दिसंबर तो पूरी दुनिया जानती है कि दिसंबर थाईलैंड का कैसा होता है, कैसी होती है यहां पर न्यू ईयर ईव, कैसी होती है यहां पर क्रिसमस ईव, तो यार किस तरह का टाइम रहता है यहां पर सभी लोग जानते हैं। आप लोग एक अच्छी शॉपिंग यहां पर आकर कर सकते हैं, क्योंकि शॉपिंग के लिए यार काफी सारे यहां पर लाइक आपको बेनिफिट्स मिलते हैं इस सीजन के अंदर, क्योंकि हर जगह पर सेल्स होती हैं, 40%, 50%, 60% ऑफ, इस तरह की सेल्स यहां पर चलती हैं काफी सारे ब्रांड्स पे। यहां पर अगर आप लोग देखें लगभग सभी शॉपिंग मॉल्स के अंदर आपको इस तरह की सेल्स यहां पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि यार ब्रांड्स हम लोग बात करते हैं कि भाई ब्रांड्स तो इंडिया में भी मिलते हैं, तो यार कुछ एक चीजें ब्रांड में ऐसी होती हैं जो जो पैटर्न, जो डिजाइन आपको यहां मिलते हैं शायद वो वहां पर आपको नहीं मिलते हैं। उसके साथ साथ में यहाँ पर काफी सारे टैक्स बेनिफिट्स हैं। तो अगर आप लोग रेट्स की बात करेंगे तो यार यहाँ पर रेट्स अकॉर्डिंग टू अपने कंट्री थोड़ा सा यहाँ पर फर्क भी आपको मिलेगा, और उसके साथ साथ अगर आप लोगों को एक अच्छा डिस्काउंट मिलता है तो भाई सोने पे सुहागे वाली बात होती है। और इसके साथ अगर आप लोग देखें तो यार जनवरी फरवरी बहुत ही अच्छा वेदर होता है यहाँ पर, क्योंकि इंडिया के अंदर विंटर्स होते हैं फुल ऑन, लाइक काफ़ी ठंडी का माहौल होता है, लेकिन यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है, यहाँ पर जो मौसम रहता है, जो वेदर रहता है बहुत ही अच्छा होता है। इसीलिए यहाँ पर काफ़ी सारे अगर आप लोग बात करें यूरोपियंस जो होते हैं, जो यूरोपियन लोग होते हैं, वो यहाँ पर इन 4 महीनों में पहुँचते हैं। और उसके साथ साथ और भी जो कंट्रीज है जहाँ पर सर्दी बहुत होती है, वो लोग भी यहाँ पर ये वेदर इंजॉय करने के लिए, मौसम इंजॉय करने के लिए पहुँचते हैं। तो यार ये तो 4 महीने पीक के हैं। इसके बाद अगर आप लोग मार्च की बात करें तो मार्च में हम लोग लाइक थोड़ा सा बिजी होते हैं, क्योंकि यार ईयर एंडिंग होती है अपने लोगों की, तो लगभग सभी लोग अपने अकाउंट सेटल करने में लगे होते हैं, उसके अलावा बच्चों के एग्जाम्स होते हैं, तो यार मार्च अपने लिए काफी टाइट होता है। तो मार्च में ट्रैवल करना यार बहुत कम लोग पसंद करते हैं, क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं बिजी होते हैं। लेकिन इसके बाद अगर आप लोग अप्रैल की बात करें तो भाई अप्रैल में यहाँ पर होता है सोंकरान, लाइक जो थाईलैंड का न्यू ईयर होता है, 13 से लेकर 19 तारीख तक एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। मैंने लास्ट ईयर भी आपके साथ शेयर किया था, और आने वाले टाइम में भी आपके साथ वो जो फेस्टिवल वो शेयर करता रहूंगा। तो अगर आप लोग चाहें तो यार इसी टाइम पीरियड के अंदर जो ये 6 महीने के लिए वीजा फ्री किया गया है, इस 6 महीने के अंदर आकर आप लोग संक्रांत भी एंजॉय कर सकते हैं। और यार कहीं ना कहीं देखो बेनिफिट ये होता है ना भाई कि जैसे आप लोग यहां पर आए, मान लीजिए आप 5 लोग हैं, और 5 लोग यहां पर जो वीजा का जो फीस था लगभग 2000 से 2200 बाद आप लोग पे कर रहे थे, तो यार कहीं ना कहीं अगर देखे 5 लोगों के अंदर अगर आप लोग 10,000 बाद 11,000 बाद सेव करते हैं जो वीजा का आप लोग पे करते थे, तो उस 12,000 बाद में आपका एक बंदा तो फ्री हो जाएगा भाई। जो एक टिकट आप लोग कह सकते हैं कि वीजा के पैसे से आप लोग एक टिकट अफोर्ड कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यार बहुत ही एक अच्छा डिसीजन यहाँ पर लिया गया है टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। और अगर हम लोग तो सीधा बोलें कि भाई अपने लिए तो अपने भाइयों के लिए एक बहुत ही अच्छी एक न्यूज़ है, जिसका काफ़ी सारे मेरे भाई इंतजार भी कर रहे थे, क्योंकि यार 2200 बात एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है अगर आप लोग उसको अपनी करेंसी में कन्वर्ट करें, लगभग आप लोग 5,552 रुपये होते हैं यहाँ पर, और यार एक अच्छा खासा अमाउंट आप लोगों का सेव हो रहा है डायरेक्ट यहाँ पर लगभग 6 महीने के लिए फिलहाल जो ये डिसीजन लिया गया है। तो यार आई होप कि आने वाले दिनों में जो यहाँ पे गवर्नमेंट है वो यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, आप लोगों के लिए आपको अच्छी फैसिलिटीज देने के लिए, आपको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाने के लिए ऐसे डिसीजन लेती रहेगी। बस इसी उम्मीद के साथ हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, आस पड़ोस का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और डटे रहिए, भूलेगा नहीं। मेरा नाम मैं हूं सुनील यशपाल, आपका भाई, आपका दोस्त, और यह है आपका अपना चैनल बाबा वुड। सी या।